पुरातन काल में दुर्गम नामक दैत्य हुआ। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर सभी वेदों को अपने वश में कर लिया, जिससे देवताओं का बल क्षीण हो गया था। तब दुर्गम ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और तब देवताओं को देवी भगवती का स्मरण हुआ। देवताओं ने शुम्भ निशुम्भ, मधु कैटब तथा चंडमुंड का वध करने वाली शक्ति का आह्वान किया। देवताओं के आह्वान पर देवी प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। सभी देवताओं ने एक स्वर में बताया कि दुर्गम नामक दैत्य ने सभी वेद तथा स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है तथा हमें अनेक यातनाएं दी हैं, और माँ से आग्रह किया कि वे उनका वध करें। देवताओं की बात सुनकर देवी ने उन्हें दुर्गम का वध करने का आश्वासन दिया। उधर ये बात जब दैत्यों के राजा दुर्गम को पता चली तो उसने देवताओं पर पुनः आक्रमण कर दिया। तब माता भगवती ने देवताओं की रक्षा की तथा दुर्गम की सेना का संहार कर दिया। सेना का संहार होते देख दुर्गम स्वयं युद्ध करने आया। तब माता भगवती ने काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला आदि कई सहायक शक्तियों का आह्वान कर उन्हें भी युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और उस भयंकर युद्ध में भगवती ने दुर्गम का वध कर दिया। दुर्गम नामक दैत्य का वध करने के कारण भी भगवती का नाम दुर्गा के नाम से भी विख्यात हुआ। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल समय चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।